हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही चमत्कारी तेल। इसकी जरा सी मालिश से आपके सारे दर्द आसानी से दूर हो सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये वाकई बड़ा चमत्कारी है, क्योंकि मेरी मम्मी इसे हमेशा यूज़ करती है। मेरी मम्मी को अर्थराइटिस बहुत प्रॉब्लम है, उन्हें जॉइंट पेन और ये होता रहता है, और इसे जैसे ही लगाते बहुत आराम मिलता है। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसे बनाने में कम 5 से 6 दिन लग जाते हैं। आपको वही बनाने की विधि बता रही हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कांच की बोतल, और वो भी एयर टाइट होनी चाहिए। इस तरह की कांच की बोतल आप सूखी साफ सुथरी कांच की बोतल ले लीजिए, और तिल का तेल, ये आसानी से आपको किसी भी दुकान से आराम से मिल जाएगा। और साथ ही साथ तीसरी चीज़ है कपूर। ये कपूर जो पूजा में यूज़ करते वो वाला कपूर नहीं है, ये कपूर है भीमसेनी कपूर, या आपको किसी दवाई की दुकान से मिल जाता है, जिसे हम तिल के तेल को कम से कम 300 ग्राम तेल लेना है, 300 साढ़े 300 ग्राम। और उसमें 10 ग्राम कपूर आपको डालना है। अब इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इसे ऐसे मिक्स नहीं करना हिलाकर। अब इसे आप एयर टाइट बंद कर दीजिए और घर के उस कोने में रख दीजिए जहां पर धूप आती है। ऐसी खिड़की में आप कहीं भी रख सकते हैं जहां पर धूप आती है, और इसे बिल्कुल जहां पर आप एक बार रखेंगे उसके बाद उसको हिलाना भी नहीं है। और धूप में धीरे धीरे 5 दिनों के बाद आप उसे चेक करेंगे, 5 दिन तक उसे छुएंगे भी नहीं। 5 दिन के बाद वो धूप की गर्मी से कपूर धीरे 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 उसमें मेल्ट हो जाएगा। 5 दिन के बाद आप इस बॉटल को ऐसे निचले हिस्से से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर कपूर के टुकड़े आपको मिल जाएंगे तो आप उसको फिर वापस 2 दिन रख देंगे धूप में। अगर टुकड़े उसमें मेल्ट हो गए, कपूर पूरी तरह से मेल्ट हो गया, उसके बाद आप उस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको चम्मच से उसे बिल्कुल नहीं मिलाना है कपूर को। कपूर उसमें अपने आप धूप की गर्मी से डिसॉल्व होएगा, तभी ये चमत्कारी तेल चमत्कारी बन सकेगा, नहीं तो आपके किसी काम का तेल नहीं है। इसीलिए आप इसे धूप में कम से कम 5 से 6 दिन तक रखिए, और उसके बाद जब ये पूरी तरह से कपूर मिल जाए, उसमें डिसॉल्व हो जाए, उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का तरीका बड़ा आसान है। जब कपूर पूरी तरह से इसमें मिल जाएगा तो आप इसे इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा तेल किसी चम्मच से किसी बर्तन में आप निकाल लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। इस बॉटल को जितना हो सके आप बंद रखिए, एयर टाइट जितनी पैक रहेगी तो उसकी कपूर की खुशबू भी उसके अंदर रहेगी, इससे तेल के गुण खत्म नहीं होंगे। और ये तेल एक ही बार में फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको इतना आराम देता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये वाकई चमत्कारी तेल है, और ये मैं किसी सुनाई सुनाई बातों पर यकीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे घर में हमेशा बनता है। मेरी मम्मी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और मेरी मम्मी इस तेल का लगातार इस्तेमाल करती है, और जरा सा लगाने के साथ ही यह पेन किलर का काम करता है। यह बहुत अच्छा है, प्लीज़ आप इसे इस्तेमाल कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।